कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है ओप्पो A76। आज इस वीडियो में इस फोन का वाटर टेस्ट करूंगा और देखूंगा ये फोन वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं। और ऐसे भी ओप्पो उसके ऑफिशियल साइट में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि ये फोन वाटर रेजिस्टेंस है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये खुद के ही रिस्क से ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो सबसे पहले कुछ टेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक बैक कैमरा सैंपल खींचेंगे, यहाँ पे और एक सेल्फी कैमरा सैंपल खींचेंगे। अगर मैं आप लोगों को कैमरा सैंपल दिखाऊं तो देख लीजिए, कैमरा सैंपल बढ़िया है, कैमरा सैंपल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे टैप ओपन, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी ओपन हो रहा है। फेस अनलॉक ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फेस अनलॉक भी बढ़िया काम कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ओपन कर रहा है। चलो यहाँ पे साउंड टेस्ट करेंगे। यहाँ पे चलो साउंड क्वालिटी भी बढ़िया है, साउंड क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हेडफोन जैक टेस्ट या चार्जिंग टेस्ट वगैरह मैं आप लोगों को वाटर टेस्ट के बाद दिखाऊंगा। फोन को हम लोग यहाँ पे रख देंगे और इसके ऊपर हम लोग पानी गिराएंगे। तो चलो और वाटर टेस्ट करने के लिए मुझे बहुत मजा आता है। चलो यहाँ पे स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग घर में ट्राई मत करना, वरना आपके फोन डैमेज हो सकता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अगर आपके फोन पानी में गिर जाए या बारिश में भीग जाए, आपके फोन टिकेगा कि नहीं, बस वो चेक करवाने के लिए मैं ये वाटर टेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग घर में ट्राई मत करना। और यहाँ पे देखिए बबल्स वगैरह आ रहा है, मतलब फोन के अंदर पानी जा रहा है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके इतना रिस्क लेकर ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसी बात में लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता है, जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। खैर 30 सेकंड हो चुका है, यहां पे हम लोग फोन को पलट देंगे। यहां पे देखिए बबल्स वगैरह भर चुका है, मतलब फोन के अंदर पानी बहुत ज्यादा जा चुका है। खैर यहां पे हम लोग 1 मिनट के बाद पानी से फोन को बाहर निकालेंगे। अगर आपके फोन पानी में गिर जाता है तो सबसे पहले अच्छी तरीके से सेक कर लो और 24 आवर्स के लिए स्विच ऑफ करके रख दो। बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ओपन करके रखता हूं, वरना मैं भी स्विच ऑफ कर देता हूं 24 आवर्स के लिए। यहां पे देखिए 1 मिनट हो चुका है और फोन को यहां पे हम लोग बाहर निकालते हैं और अच्छी तरीके से सेक वगैरह कर लेंगे, ताकि पोर्ट्स के अंदर पानी वगैरह चला जाता है तो वो बाहर आ जाए सबसे पहले। चलो अच्छी तरीके से सेक वगैरह कर लेते हैं, अच्छी तरीके से ड्राई वगैरह करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सबसे पहले ना साउंड निकल आ चुका है, मतलब यूट्यूब में वीडियो आ चुका है, तो यहाँ पे साउंड टेस्ट करते हैं। साउंड थोड़ा सा यहाँ पे दब चुका है, अगर मैं थोड़ा सा और भी सेक कर दूँ तो यहाँ पे साउंड थोड़ा सा दब चुका है। तो चलो अभी साउंड सुनते हैं, साउंड क्वालिटी कैसा है। साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है, क्लियर साउंड नहीं आ रहा है। अभी हम लोग हेडफोन जैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे हेडफोन में कितना ज़्यादा आवाज़ आता है। तो चलो यहाँ पे वॉल्यूम को लाउड करते हैं। हेडफोन में आवाज़ आ रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। हेडफोन में काफ़ी अच्छा आवाज़ आ रहा है। चलो कैमरा में यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा सैंपल और एक बैक कैमरा सैंपल यहाँ पे खींचेंगे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कैमरा सैंपल, तो कैमरा सैंपल कैमरा में भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए ब्लरिश आ चुका है। यहाँ पे देखिए उतना ज़्यादा यहाँ पे डिटेलिंग नहीं है, जबकि पहले वाला पिक्चर में डिटेलिंग था। मैं आप लोगों को और एक बार खींच के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा सेकी पिक्चर आया है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा सेकी पिक्चर आया है, तो डिटेलिंग उतना खास नहीं है वाटर टेस्ट के बाद, थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउनग्रेड है। चलो फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट भी फास्ट है, फिंगरप्रिंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फेस अनलॉक को ट्राई करते हैं, यहाँ पे फेस अनलॉक भी बढ़िया है, काफ़ी जल्दी जल्दी ओपन हो रहा है। चलो अभी चार्जिंग टेस्ट करते हैं, देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, चार्जिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए चार्ज काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूँ, कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और साउंड क्वालिटी दब चुका है, वरना फ़ोन तो ठीक ठाक चल रहा है। अभी डिटेल रिव्यू में मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा कि ये फ़ोन बिल्कुल डैमेज हुआ है या सही सही चल रहा है। डिटेल रिव्यू के लिए ज़रूर वेट करना। और ऐसे भी इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।